जब से सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को पूरा भागवत को प्रारंभ करते ही वो तीन श्लोकों को द्वारा मंगलाचरण किया। कहते मंगलाचरण का मतलब क्या है? बोले मंगलाचरण का मतलब होता है जब कोई भी आप काम करो ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए कोई काम करोगे ना, देखना वो काम जरूर तुम्हारी सक्सेस मिलेगा, जरूर वो काम तुम्हारी बन जाएगा। इसको कहते मंगलाचरण। तो इन्होंने तीन श्लोक को द्वारा मंगलाचरण की। जो पहला जो श्लोक है वो क्या है? बोले पहला श्लोक है नमस्कार, ये भागवत का आराध्य कौन है, हम किसको ध्यान कर रहे हैं? बोले किसको ध्यान कर रहे हो? बोले जन्मादस्य जतोन्नयादितरतस्य स्वार्थी सुधिक्य स्वराज तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मोहिदन्ति जत सूरयो तेजो वायु मृदा यथा विनिमयो त्रिसर्ग पृष्ठा ध्यानना स्वेन सदा निरस्त कुअपं सत्यंग परम धीमहि। पहला श्लोक में भगवान को ध्यान करते, बोले भैया ध्यान किसको कर रहे हो? इसी ऊपर में भी बड़े तर्क वितर्क है क्योंकि इसमें किसका नाम नहीं दिए इस श्लोक में, केवल उनका गुण गुण दिया हुआ। जो भोले बाबा को पूजा करते हैं ना, कहते भैया ये प्रथम श्लोक में तो भोले बाबा की प्रणाम किया। जो माँ देवी की पूजा करती है, कभी ये श्लोक में तो माँ देवी की प्रणाम की। जो हनुमान जी को पूजा करते, भैया इसमें तो हनुमान का नाम है। और जो गणेश जी की पूजा करते हैं, बोले सबसे पहले भैया गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। बड़े तर्क वितर्क है, लेकिन ये हमारे वैष्णव संत लोग कहते हैं वल्लभाचार्य भैया ये श्लोक और किसके लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण के लिए, बांके बिहारी के लिए। बोले कैसे आप बता रहे हो बांके बिहारी के लिए? बोला भागवत पढ़ो, जब मातृ गर्भ में देवो की गर्भ में कृष्ण आए, देखना 33 करोड़ देवता शंकर ब्रह्मा इंद्र चंद्र वो क्या कहते हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से जोनी निहितम च सत्य देवता को कह रहे। बोले ये कृष्ण कौन है? कितना सत्यम परम धीमहि। बोले वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। वो परम सत्य कौन है? बोले जो पहले थे अभी भी है जो बाद में रहेगा है, जिनकी भक्त सत्य जिनकी धाम सत्य है, जिसको कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन ममैवास जीव लोके जीव भूत सनातन। जो पहले था सनातन मतलब हर समय जो प्रकाश है, जो पहले थे अभी भी और बाद में रहेगा, ये कौन है? कहते श्री बांके बिहारी। बोले ये पहला श्लोक किसको प्रणाम किया? श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम किए। बोले भैया केवल बांके बिहारी को किया ना, और किसको भी किया? तब हमारे रस्सी की टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी, बोले भैया केवल बांके बिहारी को प्रणाम नहीं करते, कहते यहाँ जो परम शब्द है कहते देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, कृष्ण की पराशक्ति कौन है? बोले श्री राधा रानी। इसलिए केवल कृष्ण को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, कहते उन्होंने प्रणाम किया श्री राधा जी को, साथ में श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम किया, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा ही है, पूरा नहीं है कृष्ण। इसलिए एक समय सूप और सारी में लड़ाई हो गई, तोता और मैना में लड़ाई हो गई। तोता तो ले लिया कृष्ण का पक्ष, और जो मैना है ना वो ले लिया राधी राधा रानी का पक्ष। इतने में सूप कहता है तोता, बोले जानते हो मैना? बोले क्या है? बोले हमारे कृष्ण गिरिराज उठा लिया। मैना कहते चुप रहो, कृष्ण गिरिराज उठा लिया। बोले किसने उठाया था? मैना कहती बताओ उन्होंने कौन सा हाथ में उठाया? बोले बाम हाथ में। बोले कौन सा अंगुली में? बोले बाम अंगुली में। बोले कैसे उठाए? बोले शक्ति से। बोले बताओ बांके बिहारी का शक्ति कौन है? इसलिए बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपर ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। तो गिरिराज किसने उठाया? बोले कौन उठाए? राधा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पहला जो श्लोक है उसमें श्री जुगल सरकार श्री राधा गोविंद को उन्होंने प्रणाम किया। बोले जिनकी कृपा से ही दुनिया में विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति ये प्रलय होता है, जिन्होंने आदि कवि श्री ब्रह्मा जी के हृदय में सारे ज्ञान को जिसने स्पूर्ण कराया, और जिनकी माया ऐसे है ना, बोले मुझ्यंति यत सुरयो
की माया में बड़े बड़े देवता लोग भी मुक्त हो जाते हैं। हम आगे जाकर के सुनेंगे जिनकी माया में ब्रह्मा भी पागल हो गए, भ्रमित हो गए, जिनकी माया में इंद्र स्वयं भी, जिनकी माया में स्वयं इंद्र भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे कौन है? श्री वाक्य बिहारी श्री जुगल सरकार की चरण में हम सबके सब श्री प्रणाम करते हैं। देखो डाबू का मंदिर खुल गया। बोल श्री राधा गौर राधा कृष्ण की जय जय श्री राधे। वाह आप लोगों को तो बड़े सुंदर से चार किया। बोल श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण आरती होगी। हम लोग थोड़ी समय के लिए खड़े हो जाओ। आप लोग आरती बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना। आरती कर रहे हैं।